अस्सलाम वालेकुम क्लास वन। टुडे आवर टॉपिक इज़ मेकिंग 10, बुक पेज नंबर 10। जैसे पहले हम अपना प्रीवियस लेक्चर रिवाइज करेंगे। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में मेकिंग 10 टू नंबर्स को मिलाकर 10 बनाना सिखाया था, यहाँ पर भी आज हमने वही टॉपिक को रिवाइज़ करना है कि टू नंबर्स को ऐड करके आंसर हमने 10 दे के आना होगा। यहाँ पर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 9 + 1, जब 9 में 1 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 10। इसी तरह सेकंड है 8 में 2 ऐड करें तो आंसर आता है 10। 7 में 3 को ऐड करें तो आंसर क्या आएगा? 10। ये पेयर भी बना रहे हैं कि टू टू नंबर्स को बनाकर आपका आंसर क्या है? 10। टू नंबर्स के पेयर बनाकर आंसर क्या है? 10। 6 में 4 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 10। और अगर 10 में ही 0 को ऐड करेंगे तो फिर भी आंसर क्या रहेगा? 10 का 10, क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है जिसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर क्या रहेगा? सेम का सेम। नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर 10। इस बुक पेज नंबर पे आपने कुछ डिफरेंट नंबर्स दिए हुए हैं, डिफरेंट पेयर्स बनाने हैं आपने। उन्होंने क्वेश्चन में कहा, उन सबसे पहले उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि द पेयर ऑफ द हैंड हैज़ 10 फिंगर। जो हमारे पास हैंड है उसमें वन हैंड में 5 फिंगर होंगे, तो वन हैंड में 5 फिंगर, तो 5 5 आपस में मिलकर क्या बनेगा? 10। ये पेयर बना रहा है 10 का। 5 = 5, वन हैंड में 5 फिंगर, 5 वन हैंड में 5 फिंगर, और ये पेयर बन जाएगा 10। इसी तरह उन्होंने हमें ये डिफरेंट यहाँ पर नंबर्स दे दिए हुए हैं पूरे पेज पे। हमने इन पेयर्स को मिलाकर अपना आंसर, अपने उन पेयर्स को आपस में ऐड करना है जिसका आंसर 10 आएगा। लुक एट दिस नंबर्स, इन नंबर्स को देखें। सम पेयर्स ऑफ टू नंबर्स अप टू 10s, दो ऐसे नंबर हैं यहाँ पर जिनको ऐड करके हमारा आंसर क्या आएगा? फाइंड देम एंड कलर देम। पहले उसको फाइंड करना है, फिर उसके बाद उसको कलर करना है। टू पेयर हैज़ बीन डन फॉर यू। उन्होंने टू पेयर हमारे लिए पहले ही डन करनी है। 6 और 4 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 10। 1 और 9 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 10। इस पेज को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ना अपने आप लोग ना अपनी पेंसिल से, लेड पेंसिल से उन पेयर्स को आपस में मिला लें जिनको ऐड करने से 10 आ रहा है। लेकिन जब आप मिलाएंगे बिल्कुल लाइट लाइट सा मिलाएं कि पेंसिल से ज़्यादा आपको नज़र ना आए। जैसे फर्स्ट लाइन में मेरे पास देख, सबसे पहले मैं अपनी फर्स्ट लाइन में देखूंगी कि किन टू पेयर्स को मिलाकर मेरा आंसर 10 आ रहा है। उन टू पेयर्स को मैं आपस में मिला लूँगी। मेरे पास फर्स्ट लाइन में जैसे 3 और 4 को ऐड करने से 10 नहीं आता, 9 और 1 को ऐड करने से 10 आएगा। 9 में 1 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 10। मैंने इन दोनों पेयर्स को आपस में मिला लिया। उसके बाद नेक्स्ट आगे काउंट करते जाएं, देखें कोई ऐसा पेयर जो फर्स्ट लाइन में है हो और उनको आपस में मिलाने से 10 9 9। उसके बाद इधर लास्ट में 1 और 9 को ऐड करने से आंसर आएगा 10। जब आपको ये पेयर मिल जाएंगे आपने इसमें क्या करना है? कलर करना है। लेकिन जब कलर करना है बिल्कुल इसी तरह कलर करना है, दोनों नंबर्स में सेम कलर हो, जैसे 1 में और 9 में सेम कलर हो, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने से आपका आंसर क्या है? 10। और उसके बाद जब आपने कलर करना है आपने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में कलर करना है। फॉर एग्जांपल जब भी मैंने कलर करना है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में करना है, जैसे 1 और 9 है, इन दोनों को कलर करेंगे और सेम कलर करेंगे। लेकिन अगर आप इस पेज पे देखें कुछ ऐसे नंबर है जिसको ऐड करके 10 आता है, जैसे यहाँ पर 6 और 4 को ऐड करके 10 आ रहा है, लेकिन इस तरह हम कलर नहीं करेंगे, ये रॉन्ग होगा। क्योंकि उन्होंने हमें एग्जांपल भी यही दी है कि दोनों नंबर्स को आपस में मिलाकर कलर करना है, और जब कलर करना है तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल में कलर करना है और दोनों में सेम कलर करना है। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने लगी हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 9 और 1 को ऐड करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा? 10। और जब मैंने इसको कलर करना है तो फिर मैंने इस कलर करते हुए बिल्कुल लाइट लाइट कलर करना है कि इस कलर का जो असर है वो सेकंड पेज पर ना आए। लाइट लाइट कलर करना है और बाहर कलर बिल्कुल भी नहीं निकालने, बाहर कलर बिल्कुल भी नहीं निकालने। जैसे आप लोग पहले क्लासेस में करते रहे हैं कलर प्रेप क्लास में, वैसे ही कलर करें। पहले इसके आउटलाइन निकालें, फिर उसके बाद इसको कंप्लीट कलर करें। इस पेज पे आप डिफरेंट कलर यूज़ कर सकते हैं, आपके पास डिफरेंट कलर्स होंगे, डिफरेंट कलर से आप ये पूरा पेज कंप्लीट करें। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर, फर्स्ट पेयर कंप्लीट कर दिया, 9 और 1 को ऐड करके 10 आया, तो मैंने इसमें ब्लू कर दिया। यहाँ पर मैंने 1 और 9 को ऐड किया था तो मेरा आंसर क्या आया था? 10। और मैंने इसमें रेड कलर कर दिया। इसलिए इस तरह ही आपने पूरे पेज पर कलर करने हैं डिफरेंट कलर्स, जोन सा आपको प्यारा लगता है, जोन सा मर्जी कलर करें, लेकिन कलर बिल्कुल लाइट और नीट नीट कलर करें।
जैसे मैंने अपना ये बुक पेज नंबर, मैथ बुक पेज नंबर 10 कंप्लीट किया, टू टू पेयर्स को मिलाकर, जिन जिन पेयर्स को मिलाकर मेरा आंसर 10 आता था, मैंने उन पेयर्स को मिलाकर उसको कलर किया है। ऐसे ही आपने पूरे पेज को कलर करना है। जो मुझसे रह गया आपने वो खुद ढूंढ के इसको कलर करना है, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही कलरफुल, प्यारा प्यारा और नीट कलर करने हैं, जैसे और डार्क कलर नहीं करने, बिल्कुल लाइट लाइट से कलर करने हैं, ताकि पेज जो है वो रफ ना हो डार्क कलर करने से। ओके, कंप्लीट करना पूरा पेज, पेज नंबर 10। एक दफ़ा मैं फिर दिखा रही हूँ आपको, गौर से देख लें। बिल्कुल ऐसे ही लाइट लाइट कलर करने अपनी मामा की हेल्प लेकर, और ऐसे ही पेयर बनाने हैं, टू टू नंबर्स को ऐड करके, जिनको ऐड करके आपका आंसर क्या आएगा, 10। पहले ही पेज नंबर 10 आपने मैथ बुक पेज नंबर 10 कंप्लीट करना, उसके बाद आपकी डायरी है बुक पेज नंबर 10 कंप्लीट करके, आपकी डायरी है टेस्ट बुक पेज नंबर 11 to 15। आपने अपनी मामा से कहना आपसे बुक पेज नंबर, मैथ बुक पेज नंबर 11 to 15 टेस्ट लें, और टेबल ऑफ टू का भी टेस्ट लें, और टेस्ट आपने टेबल ऑफ टू ओरल प्लस डॉजिंग दोनों में देना है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।